नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विसर्जन दिवाली पूजा की हम कैसे करें। तो दिवाली के दिन रात में जब हम पूजा करेंगे तो अगले दिन सोमवार के दिन हम विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन में आप लोग पूछे हैं, दीदी कौन सी चीजें कहाँ रखनी है, कौन सी चीजें विसर्जन करनी है, कौन सी चीजें रखनी है, सब कुछ डिटेल में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा कि आपको बहुत अधिक इससे लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, पूरी रात दिवाली के दिन आप लोग दिया तो हमारा जलते रहेगा, अपने आप जो है ठंडा हो जाएगा, तभी हमें विसर्जन करने अगर जा रहे हैं तो साइड में उतार कर आप लोग रख लीजिएगा। आप लोग दिया को कभी ना बुझाए, जितना तेल रहेगा वो खुद ही जल जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि दिवाली के दिन तो ये सभी चीजें हमें यहाँ से उठानी ही नहीं है, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तब हम क्या करेंगे, अगले दिन जब हम विसर्जन करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखनी है, नहा धो के पूजा पाठ करके हमें विसर्जन करना होता है। ऐसे नहीं कि बासी शरीर से विसर्जन आप लोग मत कीजिएगा। तो जो भी इस पे फल वगैरह है आप लोग जो है उठा लीजिएगा, ये आप लोग प्रसाद के रूप में वितरण भी कर सकते हैं और आप लोग खा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें, और ये खोइछा का जो प्रसाद है ये आप अपने बच्चे को मतलब बेटी को या आप लोग भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हल्दी जो है आप लोग इस्तेमाल कर जाइएगा पूजा पाठ में भी, या आप जो है आप अपने रसोई घर में भी कर सकते हैं। और ये लड्डू मिठाई बतासा खोई सब कुछ आप लोग खा लीजिएगा। और ये जो हमारे धनवंतरी देव हैं, देखिए इनको भी मैं रखी थी, तो ये चावल वगैरह जो है आप किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को या पक्षियों को डाल सकते हैं। तीन ऑप्शन बता दी। जनेऊ है, अगर मान लीजिए कि कोई जनेऊ पहनने वाला है तब तो पहन जाएगा, अगर कोई नहीं पहनने वाला है तो आप क्या कीजिएगा कि किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या जिनके यहाँ जनेऊ पहना जाता है वो लोग उनको दे दीजिएगा, या आप लोग पहन जाइएगा, ठीक है। अगर वो भी कोई नहीं है तो आप विसर्जन कर दीजिएगा। अगली चीज क्या है कि ये माता के खोइछा के लिए जो ये प्रसाद हम चढ़ाए थे पान के पत्ते पर, ये सभी चीजें जो है हम जो है खा लेंगे, ग्रहण करेंगे, आसपास आप लोगों को बांट भी सकते हैं। पान के पत्ते कई लोग खाने का पसंद, मतलब कई लोग पसंद करते हैं खाना, तो आप लोग पान के पत्ते को भी खा सकते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, विसर्जन कर दीजिएगा। और ये जो चांदी की चीजें हम चढ़ाए थे सिक्का वगैरह, तो ये सभी चीजें हम झाड़ देंगे और यहाँ पे नीचे गिरा के और फिर हम ये ले जाकर जहां भी सेफ्टी के साथ आप लोग रख दीजिएगा। ये भी हो गया। ये जो पैसा है, मुद्रा जो आप चढ़ाए हैं, इस पैसे को दोस्तों आप लोग अपने तिजोरी में रख लीजिएगा, जहां भी आप लोग पैसा रखते हैं वहां जतन से रख दीजिएगा, लक्ष्मी जी का चढ़ाया हुआ पैसा। और हल्दी जो हम चढ़ाए थे, ये सभी चीज हम अपने किचन में इस्तेमाल करेंगे। और ये सभी बतासा वगैरह अलग अलग थाली में आप लोग सब कुछ इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। और जो दिया है, इस कलश के चावल को और दिया को आप लोग विसर्जन दिया को कर दीजिएगा, और कलश का जो चावल है इसको आप लोग पक्षियों को दे सकते हैं या ब्राह्मण को, मैं बता चुकी हूँ। और लक्ष्मी माता को जो ये फूल पुष्प हम चढ़ाए हैं, ये आप चाहे तो साल भर जतन करके रख सकते हैं अपने घर में, या आप लोग विसर्जन भी कर सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। ये हो गया। और जो देवी देवता है, भगवान है, इनको उठाकर आप लोग इनके सही स्थान पर रख दीजिएगा अपने मंदिर में, जहां आप लोग रखती हैं। और ये जो धनिया है, इसका भी हम रसोई घर में इस्तेमाल कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं कलश भी उतार कर आपको दिखा देती हूँ, और ये सभी चीजें हम विसर्जन कर लेंगे। तो इसको भी मैं निकाल के एक थाली में आपको दिखाती हूँ, विसर्जन करने वाली चीजें। देखिए, विसर्जन करने वाली चीजें आप एक जगह पात्र में रखते जाइएगा, हर चीज इसमें इकट्ठा करते जाइएगा, जो भी पुष्प वगैरह है, सुपारी आप लोग चाहे तो इसको रख सकते हैं। धन्वंतरी देव को आप लोग विसर्जन मत कीजिएगा, इनको आप चाहे तो साल भर के लिए अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है। और जो भी फूल कलावा ये सभी चीजें हम इनको उतार लेते हैं, इनको सुरक्षित जगह पे रख देंगे। और ये दुर्वा और ये जो पुष्प वगैरह है हम उतार लेंगे। गणेश जी को भी हम लोग उनके सही जगह पे स्थान पे मैं रख दूंगी, ठीक है। और सभी चावल को एक जगह आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा। और इसमें जो चीजें हैं, सामग्री है, पुष्प है, और जल को आप लोग किसी गमले में या तुलसी जी में डाल दीजिएगा, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। और दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा।
तो देखिए, और ये सुपारी आप लोग चाहें तो फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं धोकर। और इसमें जो देखिए ये लौंगरी इलायची आप चाहें तो चाय में डाल सकते हैं, तो टोटल आपकी मर्जी है। इसमें सिक्का है और वो नहीं निकल रहा है, तो देखिए, और इसके में भी कलावा लगा हुआ है, तो ये सभी चीजें हम विसर्जन करेंगे। और सिक्का जो है आप किसी भी लड़की को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक जगह रखती हूँ। जितना सजाने में और पूजा करने में मेहनत है, उतना ही ज्यादा मेहनत विसर्जन करने में भी है, ठीक है। और ये सभी चीजें जो है हम लोग खाएंगे, जो पफ वगैरह है, लड्डू मिठाई है, सब चीज हम खाएंगे। और बर्तन जो है हम ले जाकर किचन में अपने इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई, और ये सब चीज हम झाड़ के उठा लेंगे चौकी पर से, और उठाकर और फिर जो है हम पक्षियों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आप लोग डाल के खिला सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम माता के लिए खोइचा भरते हैं, इसको एक साल तक रखते हैं, इसको विसर्जन नहीं करते, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चौकी को अपने जगह पे रख दीजिएगा, और गणेश लक्ष्मी जी का जो वस्त्र है वो तो पूरे साल रहेगा, अगले साल फिर हम बदलेंगे। और हार आप लोग उतार लीजिएगा, क्योंकि वो सूख जाएगा तो उतार लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई विसर्जन से जुड़ी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।